नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूँ आपके साथ निशात्री। इस समय की बड़ी खबर जो है वो पूंछ इलाके से आ रही है। आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा के चलते पूंछ में एक बड़ी साजिश जो थी उसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम किया है। और वहीं आपको बता दें कि दो आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। अभी भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन चल रही है। तलाशी के जो चलाई जा रही है उसी के सर्च पे ये जरूर पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों की तरफ से क्या कुछ जो था वो मटेरियल लाया हुआ था, क्या कुछ एक्सप्लोजिव जो था उनके साथ था। ये सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। आप बताते चलिए कि ये पूरा मामला जो है जम्मू संभाग के पूंछ जिले से सामने आ रहा है। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। और वहीं आपको बता रहे जिस तरीके से घुसपैठ हो रही थी, मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने, बताया जा रहा है सुरक्षा बलों ने चक्का दा बाग इलाके में घुसपैठी को मार भी गिराया है। आपको बताते चले कि मौके पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं पर पूरी जानकारी देते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है कि पूंछ सेक्टर में ऑपरेशन बहादुर के तहत जो है हमारी भारतीय सेना के जो जवान है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान है उन्होंने बड़ी घुसपैठ की कोशिश जो है विफल की है। और वहीं पर आपको बताते चलें कि बताया जा रहा था कि इस दौरान जो है वो मतलब कल की और सुबह की जिस तरीके से मध्य रात के उसके बाद जो घुसपैठ की कोशिश थी उसके चलते जो है वो घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए जो खबर सामने आ रही है कि दो घुसपैठियों को वहां पे देखा गया था। और जो खबर अब सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दोनों ही घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बड़ी एक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए देखा जाए तो एक बड़ी खबर है और बड़ी एक उनके लिए एक कामयाबी है, क्योंकि यही आतंकवादी जो है वो आगे चलकर अमरनाथ यात्रा जिस तरीके से हो रही है वहां पे खलल पैदा कर सकते थे। क्योंकि अमरनाथ यात्रा की बात की जाए तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जी जान से सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर जो है वो अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। कोशिश और प्रयास यही रहता है हमेशा कि जब भी कोई घुसपैठ की कोशिश करता है मौके पर ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको खदेड़ें, क्योंकि यही जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इनके ऊपर पूरा जिम्मा है कि अमरनाथ यात्रा जो है उनको भली जो भांति है सुरक्षित तरीके से जो है वो पूरा करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्रा के चलते जो है वो बाहर से बड़े सारे तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आम जनता की बात की जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ये बड़ा जिम्मा है कि पूरे अमरनाथ यात्रा को सफलतापूर्वक करवाना है। और इसी कोशिश को उन्होंने विफल किया है और इसी के चलते जो है दो घुसपैठियों को पूंछ इलाके की चकदाबाग इलाके में मारा है। और ये बड़ी कामयाबी जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। कहा यह भी जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन अभी भी का जो है चल रहा है, ये प्रयास लगाया जा रहा है कि क्या उनकी तरफ से कुछ इस तरीके का एक्सप्लोजिव मटेरियल या कुछ इस तरीके की संदिग्ध चीज जो है वो तो नहीं जो है फेंक दी गई है, जिसके चलते बाद में आके कोई आईडी या कुछ इस तरीके का एक्सप्लोजिव जिसके चलते बाद में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आगे और ज्यादा चुनौतियां आ जाए। तो ये सारा जो है भी चल रहा है। और आपको बताते चले कि अभी कुछ देर पहले भी खबर सामने आ रही है कि अभी जो है एक आईडी जो है वो बरामद की गई है। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा चल रही है आतंकवादियों की पूरी कोशिश है इस यात्रा को कहीं ना कहीं खराब करने की, लेकिन वहीं पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरी ये कोशिश है कि इस यात्रा को किसी भी तरीके से सफलतापूर्वक जो है वो बनाया जाए, जिसके चलते पूरे तरीके से अभी भी जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। ना सिर्फ अभी, दिन रात जो है मोर्चा संभाला जाता है। और वहीं पर अभी कुछ देर पहले हंडवाड़ा में भी बताया जा रहा है कि एक आईडी जो है वो बरामद किया है, जिसके चलते उस आईडी को पूरी तरीके से जो है नष्ट करने का प्रयास है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो 12 किलो की जो है वो दो आईडी है, यानी हो सकता है वो 6 किलो की एक आईडी जो है वो हो सकती है। तो जिस तरीके से ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए पूंछ में, राजौरी में, हंडवाड़ा, ये सब जो एरियाज हैं यहाँ पर आतंकवादी जो है वो अपना जमावड़ा जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो समय पर प्रयास किया जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। और अभी देखा जाए तो जो आईडी मिला है उसे भी निष्कर्ष करने की कोशिश जो है पूरी तरीके से की जा रही है। क्या कुछ और बाकी अपडेट्स रहेंगी, जुड़े रहें आप न्यूज मिरर के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।